डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लगातार दी जा रही चेतावनियों का नतीजा आखिरकार सामने आ ही गया। वैज्ञानिक बार बार चेता रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा का पैटर्न बदलता जा रहा है। वर्षा अक्सर एक छोटे से क्षेत्र में तीव्र अल्पकालिक या गरज के साथ हो रही है। वजह भी दक्षिण पूर्व अरब सागर के गर्म होने की बताई जा रही है। मंगलवार को केरल जिले के वायनाड में अपने साथ किए जा रहे खिलवाड़ से गुस्साई प्रकृति भी रौद्र रूप में सामने आ गई। प्रकृति के इस रूप ने केरल की हरियाली से लबरेज उन तमाम तस्वीरों को मटियामेट कर दिया, जिनके माध्यम से केरल को सर्वाधिक समृद्ध जैव विविधता वाले राज्य के रूप में पहचाना जाता है। जाने कितनी ही बार हमने ईश्वर के अपने देश के रूप में केरल को देखा सुना है। यह इसलिए भी क्योंकि प्रकृति ने इस राज्य को सौंदर्य के अनगिनत विशेषणों से अलंकृत किया है। यही वजह है कि केरल घरेलू पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। वायनाड में हुए भयावह भूस्खलन की तस्वीरों ने सबको इस कदर बेचैन कर दिया है कि अब जरूरत उन कारणों की तलाश की हो गई है जिनकी वजह से यह विनाश लीला सामने आई। पिछले कुछ वर्षों में किए गए अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन और वन क्षेत्र की हानि वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन के दो सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीते वर्ष जारी भूस्खलन एटलस के मुताबिक भारत के 30 सर्वाधिक भूस्खलन संभावित जिलों में से 10 केरल में ही थे और वायनाड इनमें 13वें स्थान पर था। इसी में यह भी कहा गया था कि पश्चिमी घाट और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र की कोंकण पहाड़ियों का 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। दूसरी ओर वायनाड में घटते वन क्षेत्र पर 2022 के एक अध्ययन से पता चलता है कि 1950 से 2018 के बीच जिले में 62% वन गायब हो गए हैं, जबकि बागान क्षेत्र में लगभग 1800% की वृद्धि हुई। जाहिर है कि वनों की कटाई से भूभाग कमजोर हो चुका है, जो तेज बारिश में बार बार भूस्खलन की वजह बनता है। पारिस्थितिकी विद माधव गाड़गिल पैनल की सिफारिश पर अमल नहीं होने की बात भी सामने आई है। पैनल ने वर्ष 2011 में ही पश्चिमी घाट की पूरी पहाड़ी श्रृंखला को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर इंसानी गतिविधियों पर रोक की सिफारिश की थी। समय रहते नहीं चेते तो वायनाड जैसी तस्वीरें और देखने को मिलते, देर नहीं लगने वाली पाई पराचेंज। अमरीकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 4 साल अपने बॉस राष्ट्रपति बाइडन की विदेश नीति के क्रियान्वयन में बिताए हैं। इस दौरान उनके पास बहुत कम गुंजाइश थी कि वह राष्ट्रपति की मान्यताओं के विपरीत जाएं, पर उन्होंने इस समय का उपयोग सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल करने और अपने विचारों व विश्वासों को परिष्कृत करने में भी किया। अब वह विरोधियों के हमलों का जवाब देने के साथ स्वयं का दृष्टिकोण भी स्पष्ट कर सकती हैं। उनके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के मौके हैं। बाइडन प्रशासन के विचारों में
बदलाव के बिना भी और उनके साथ भी। ऐसे में वह अपनी जीत की संभावनाओं को मजबूत कर सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार बनने के पहले उनकी विदेश नीति का परीक्षण इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू की वाशिंगटन यात्रा के दौरान हुआ। आंतरिक रूप से वह लंबे वक्त से संघर्ष विराम और गाजा में फिलिस्तीनियों की स्थिति में सुधार के लिए नेतन्याहू पर ज्यादा दबाव डालने की पक्षधर रही है। इस यात्रा ने उन्हें बाइडेन की नीति, जिसे अनेक युवा मतदाता प्रगतिशील और मुस्लिम तथा अरब अमरीकी इजराइल के प्रति अमरीकी की समझौताकारी तथा पीड़ित फिलिस्तीनियों के लिए अपर्याप्त समर्थन वाला मानते हैं, से खुद को अलग रखने का मौका सुलभ कराया। दर्जनों अन्य डेमोक्रेट्स की तरह हैरिस ने भी कांग्रेस की उस संयुक्त बैठक में भाग नहीं लिया जिसे नेतन्याहू को संबोधित करना था। वह उनसे अपने कार्यालय में मिली। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने युद्ध को खत्म करने का आह्वान किया और गाजा में हत्याओं, अन्यायपूर्ण हिरासत आदि पर गंभीर चिंता जताई। हैरिस ने राष्ट्रपति की तुलना में इजराइल के प्रति अधिक आलोचनात्मक माहौल तैयार किया। उन्होंने यह भी कहा, हम इन दुखांतिकाओं के प्रति जड़वत नहीं हो सकते और मैं चुप नहीं रहूंगी। व्हाइट हाउस में हैरिस का स्टाफ यह पता लगाने में जुटा है कि वह बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति पर कैसे चल सकती है, जिसका कि वह कभी हिस्सा रही है। हैरिस के अधिकारियों ने बताया है कि हैरिस टीम अभी विदेश नीति का प्लेटफॉर्म या उस पर ध्यान देने की योजना नहीं बना रही है। कांग्रेस के एक पूर्व सदस्य का कहना है कि उनके पास न सिर्फ बाइडेन प्रशासन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की अलोकप्रिय नीतियों की तुलना करने का मौका भी है। पाई पेराचेंज, मिशिगन जैसे राज्य अब अरब अमरीकी और मुस्लिम अमरीकी हैरिस की बात को भरोसे योग्य मान सकते हैं, इस उम्मीद में कि वह इजराइल के प्रति उस रणनीति को फिर तैयार करेंगी जिससे वे नफरत करते हैं। मध्य पूर्व पर बाइडेन की कुछ नीतियों से सावधानी पूर्वक दूरी बनाते हुए हैरिस यूक्रेन के लिए प्रशासन के समर्थन को दोगुना कर रही है। संभावित उम्मीदवारी के बाद उनकी किसी विदेशी नेता से पहली मुलाकात यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक से हुई थी। हैरिस की यूक्रेन नीति ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस ने अलग है। सर्वेक्षणों में दिखा है कि अधिकांश अमरीकी यूएस सहायता कार्यक्रम के समर्थन में है। हैरिस की यूक्रेन को लेकर सार्वजनिक वकालत पश्चिम की अगुवाई वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा में उनके विश्वास का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति के रूप में हैरिस 4 बार एशिया के दौर पर आई हैं और उन्होंने कई एशियाई नेताओं के साथ रिश्तों को मजबूती दी है। इन यात्राओं में उन्होंने चीनी आक्रामकता और आर्थिक दबावों पर अपनी आवाज बुलंद की है। उपराष्ट्रपति के रूप में उनके शब्द और कार्य हमें अवगत कराते हैं कि वह यूएस की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन लाने के बजाय उसके व्यावहारिक विकास का प्रयास करेंगी। मजबूत अमरीकी वैश्विक नेतृत्व को संरक्षित करने की कोशिश करेंगी।
पर विनम्रता के साथ। यह लोकाचार विजयी अभियान संदेश और साथ ही सफल रणनीति के लिए ठोस आधार भी बन सकता है। स्टॉप।